Hello, good afternoon, students. Today we will discuss thermodynamics, part six. The relation delta H is equal to delta U plus delta n g R T means the relationship between heat of reaction at constant react constant pressure and constant volume. Heat of reaction at constant pressure. एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आज हम ये रिलेशनशिप करेंगे इस रिलेशनशिप के बेटा बहुत सारे नमेरिकल जो है वो आपको एग्ज़ाम में आते हैं यहाँ पर डेल्टा एच चेंज इन इन थेरेपी है डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है प्लस डेल्टा एन जी क्या है ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा ये नंबर ऑफ मोल्स हैं गैशेज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्ट के आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट एंड टी विल बी द टेम्परेचर ठीक है मैं पहले आपको ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगी तो देखो बेटा इसको इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे हमें पता है मैं कल अब भी आपको मैंने करवाया था थर्मोडाइनमिक्स में वीनो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो डेल्टा एच वैल्यू होती है और Q भी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बेटा ये वैल्यू डेल्टा U होती है ये आप लोग पढ़ चुके हो अब हमें पता है डेल्टा चीज इक्वल टू द डेल्टा U प्लस P डेल्टा V ये रिलेशन भी हमने पढ़ा हुआ है ये रिलेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर है तो बेटा अब इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है यस चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा फ्रॉम वी टू टू वी वन या वी वन टू वी टू तो इस इक्वेशन को फिर हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी अगर चेंज है तो वी कैन राइट इट बेटा पी वी टू माइनस पी वी वन नेक्स्ट थिंग है बेटा कि यहाँ पर जो है वो गैस का जो वॉल्यूम है बेटा इनिशियल वॉल्यूम वी से लेकर के वी टू तक जा रहा है फाइनल है नाउ हमारे पास जो गैस है बेटा ये आइडल गैस है वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी स्टेट्स ऑफ मैटर में बेटा आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन आइडल गैस इक्वेशन है तो फर्स्ट केस में पी वी वन में बेटा एन वन आर टी आएगा क्योंकि आर गैस कॉन्सटेंट है टी वी गैस कॉन्सटेंट है यहाँ प्रेशर भी कॉन्सटेंट है इसलिए वॉल्यूम वी टू फाइनल वॉल्यूम में एन टू आर टी आता है कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आपने सिर्फ वी वन लिखा है पी आर टी ए वन लिखे हैं बेटा पी यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है आर गैस कांस्टेंट है टी टेम्परेचर कांस्टेंट है ठीक है तो इसलिए ये पी वन वी वन टू अब ये वैल्यू पुट कर दो इसी क्वेश्चन नंबर इसको क्वेश्चन ए मान लो बी मान लो कोई मान लो इसमें पुट करेंगे बेटा तो क्या बनेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी अब आपके पास ये जो वैल्यू है बेटा अब ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ यहाँ पी तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पी प्रेशर है पी तो सिंपल है पी वी टू डेल्टा वी वन बी वन है तो पी वी बी हमने अब चेंज कर लिया आपका डेल्टा चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम है इक्वेशन है आपके पास अब हम क्या करेंगे बेटा डेल्टा यू है तो इसमें की वैल्यूज पुट कर दो आप क्या वैल्यू बन जाएगी पी वी टू की जगह आपकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी बेटा एन टू आर टी माइनस पी वी वन की जगह आपकी वैल्यू बन जाएगी एन वन आर टी ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन टू माइनस एन वन बेटा और आर टी आपका कॉमन आ गया देन डेल्टा एच इज इकल टू डेल्टा यू प्लस ये जो एन वन माइनस एन टू माइनस एन वन है बेटा इसको हम लिखते हैं डेल्टा एन जी आर ऑफ टी ये वैल्यू है आपकी ये क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा डेल्टा चेंज इन थेरेपी है डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी है डेल्टा एनजी क्या है ये है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस ध्यान रखना नमेरिकल करवाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा गैशियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स. ये डेल्टा एनजी कैसे निकलेंगे हमारे पास ही कोई क्वेश्चन होगी गैशियर स्टेट में जितने प्रोडक्ट के मोल्स होंगे उतने माइनस के मोल्स में हम रिएक्टेंट के मोल्स में हम इनको माइनस कर देंगे तो ये थी बच्चों आपके पास एक इक्वेशंस जो कि हमने प्रूव की है अब इससे रिलेटेड जो है वो आपके पास नमेरिकल आते हैं तो बेटा ये और इक्वेशन जो ये बढ़िया करके ये आपको जब हम इक्वेशन नमेरिकल को सॉल्व करेंगे फिर आपको पता चलेगा ये डेल्टा एच ये डेल्टा यू डेल्टा एन जी क्या है स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट नुमेरिकल से फर्स्ट नुमरिकल प्रॉब्लम है आपकी द इंथेलपी चेंज दैट इज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन अब आपके पास एक रिएक्शन दी है रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एच टू गिवन है ये टू एन एच थ्री ये गैशियस स्टेट है ये गैशियस है ये गैशियस है इज माइनस नाइन्टी टू पॉइंट थ्री एट किलो जूल एट टू नाइन्टी एट टेम्परेचर देन कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच गि डेल्टा एच इंथेरेपी ऑफ गिवन दिया है तो बेटा हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे डेल्टा यू ध्यान रखो बेटा ये इक्वेशंस आपके पास दी हुई है इसमें वैल्यू जो हैं वो आपके पास दी हैं इंथेलेपी चेंज डेल्टा एच जो है वो माइनस नाइन्टी टू दी है ठीक है आप देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्शन लिख ली बेटा फार्मूला हमारे पास पता है हम कैसे करें वी नो दैट फार्मूला क्या है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इसमें हम देखते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें पहले वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है हमें तो देखो डेल्टा एच दिया है डेल्टा यू निकालना आर कॉन्स्टेंट है बेटा टेम्परेचर गिवन है डेल्टा एन जी निकालना तो देखो डेल्टा एन जी निकालने का तरीका देखो ये हमारे पास रिएक्शन है डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे बेटा ये रिएक्शन है मैंने क्या कहा कि डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पहले तो बेटा प्रोडक्ट के स्टेट लेंगे कितने मोल हैं बेटा टू एन एस थ्री यहाँ पर कितने हैं टू तो ये हम लिख देंगे टू ठीक है अब बेटा रिएक्टेंट में तो टू माइनस अब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकालो देखो यहाँ नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं यहाँ कितना वन और यहाँ कितना थ्री थ्री प्लस वन कितना हो गया बेटा फोर और ये टू माइनस फोर कितना बन गया माइनस टू इसका मतलब है यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या लेनी है बेटा हमने माइनस टू ये वैल्यू हमने डेल्टा एन जी की लेनी है फिर एक बार मैं बता दूँ डेल्टा एन जी कैसे निकालना है बेटा प्रोडक्ट साइड में लेकिन सिर्फ ध्यान रखना गैसिय स्टेट हो मान लो बेटा यहाँ पर सॉलिड होता तो हम ये वाले जो इसका जो थ्री मोल्स हैं ये हमने काउंट बिल्कुल भी नहीं करने थे हमने सिर्फ जिन जिन के नीचे जी गैसियस लिखा हुआ बेटा उन्हीं के हमने नंबर ऑफ मोल जो है वो डेल्टा एन जी में लेने हैं क्योंकि डेल्टा एन तो नंबर ऑफ मोल चेंज है जी मतलब गैसियस है तो इसलिए टू माइन थ्री प्लस वन फोर माइनस टू तो टू तो माइनस माइनस टू का बन गया अब वही सिंपल सी बात है बेटा क्या करना है अब इनको फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो देखो डेल्टा एच दिया है हमारे पास देखो फार्मूला था डेल्टा एच चीज डेल्टा यू लेकिन डेल्टा एच गेम ने हमने निकालना क्या डेल्टा यू तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा फार्मूला बनेगा डेल्टा u इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी ये तो बेटा मैथेमेटिकल इक्वेशन है इसमें तो केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं केमिस्ट्री का बस यहाँ तक रोल था बाकी तो मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा एच जब हमने डेल्टा एच यहाँ पे दिया डेल्टा यू निकालना तो डेल्टा एच साइड में जाएगा ये सारी चप्टर माइनस के अब बेटा वैल्यू पुट कर दो क्या वैल्यू थी आपकी देखो डेल्टा यू इज टू डेल्टा एच कितना था माइनस नाइन्टी टू पॉइंट थ्री एट किलो जूल किलो जूल था ठीक है माइनस माइनस टू इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर बेटा आर की वैल्यू है और टू नाइनटी एट कैलवन टेम्परेचर है डेल्टा यू इज इक्ल टू बेटा ये ये सारी टर्म जो है वो जूल्स में आती हैं क्योंकि ये एट पॉइंट थ्री आर गैस कॉन्स्टेंट है ये जूल्स पर ये किलो जूल में है तो बेटा इसको हमने क्या करना है इसको हमने जूल में बदल लेना तो जूल में बदलेंगे क्या करेंगे इसको थाउजेंड से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू माइनस नाइन टू थ्री एट जीरो जोल्स बनेगी। इसको सॉल्व कर दो बेटा जब ये सॉल्व माइनस है सॉल्व करेंगे इसको सारे मल्टीप्लाई कर दो ये सारा मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा ए टर्म आ जाएगा माइनस फोर नाइन फाइव फाइव पॉइंट वन फोर ठीक है बेटा फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा वही माइनस नाइन टू थ्री एट जीरो माइनस माइनस से आगे प्लस हो जाएगा फोर नाइन फाइव फाइव पॉइंट वन फोर है इसको सॉल्व और कर दोगे बेटा माइनस एट एट सेवन पॉइंट फोर टू फोर ये बनेगा आपका जोल्स में आएगा आपका लेकिन आपने आंसर किलो जूल में निकालना है तो या अगर जोल्स पर लिख लो किलो जूल में निकालोगे तो बेटा इसका बनेगा माइनस एट्टी सेवन पॉइंट फोर टू फोर किलो जोल्स ये आपका जाना चाहिए तो जब आप, आपको बेटा ये फार्मूलेज में सारी चीज़ें निकालने आ गई तो क्वेश्चन जो तो है वो बिल्कुल सिंपल से हैं अब देखो बेटा एक क्वेश्चन था आपका जो आपका ये पी एम टी ए दो हजार ग्यारह बारह में पूछा गया था तो बेटा ये देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से था फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन और रिएक्शन क्या थी बेटा ए यह लिक्विड स्टेट थी और ये बी में कन्वर्ट हुई ये गैशियस स्टेट है एट थ्री सेवनटी थ्री कैलबिन एंड देन दीट ऑफ वेपोराइजेशन इज फोर्टी पॉइंट सिक्स सिक्स किलो जूल पर मूल और आर की वैल्यू गिवन है एट पॉइंट थ्री जोल्स पर मोल पर कैलविन ये क्वेश्चन था बेटा अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है पहले तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आपका इस इक्वेशन के ऊपर होना चाहिए हमें पता है फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी बेटा ये रिएक्शन है हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो बेटा डेल्टा यू इज इकल टू डेल्टा एच वही जो हमने अभी निकाला था माइनस डेल्टा एन जी ये आर टी इस ये इक्वेशन हमने अप्लाई करनी है अब वही बात है डेल्टा एन जी निकालेंगे तो ये देखो सबसे समझने वाली बात बेटा डेल्टा एन जी है अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला प्रोडक्ट साइड में गैसेज के मॉलिक्यूल हमने लेने बेटा यहाँ बी या बी का स्टॉक वन है इसका मतलब वन मोल है गैसेज में तो हमने ले लिया वन माइनस अब रिएक्टेंट का देखेंगे तो रिएक्टेंट का बेटा अब हम वन नहीं लेंगे क्योंकि ये गैसियस नहीं है ये लिक्विड है एल है ये लिक्विड स्टेट में है तो ये जीरो लेंगे तो बेटा कितना बन जाएगा टोटल डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा वन बस ये मेन बात है बाकी तो भाई क्या बाकी वैल्यू उठाओ और इसमें डाल दो क्या वैल्यू है डेल्टा यू इज इक्वल टू या डेल्टा यू निकालना है बेटा डेल्टा एच कितना है आपके पास दिया है फोर्टी पॉइंट सिक्स सिक्स किलो जूल तो बेटा इसको जूल में बदलोगे ये आएगा फोर जीरो सिक्स सिक्स जीरो माइनस वन आगे वही वैल्यू सारी लिख दे एट पॉइंट थ्री वन फोर है टेम्परेचर आपका थ्री सेवेंटी थ्री के अल्बंदिया जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पड़ेगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स किलो जूल पर मोल ये, ये इंटरनल एनर्जी है तो इस तरीके के बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिए होंगे तो ये इक्वेशन जो थी ये आपके पास जो डेल्टा एच ई जी डेल्टा यू एंड डेल्टा एन जी आर टी तो इससे नमेरिकल जो है वो आपसे नमेरिकल पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसके बाद बेटा अगले टॉपिक भी हम चलते हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे बेटा डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी तो देखो बेटा सिंपल सी बात है हीट कैपेसिटी क्या होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू वन डिग्री सेल्सियस एक डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का राइज़ करना बेटा हीट कैपेसिटी बोलते हैं और इसका फार्मूला जो है सी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी आता है फिर इसके बाद एक पूछते हैं वर्ल्ड आता है बेटा मोलर हीट मोलर हीट कैपेसिटी ये छोटे छोटे टर्म्स हैं अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा थोड़ा फर्क है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है देखो हीट कैपेसिटी तो आ गया था किसी भी सबस्टांस का टेम्परेचर जो है वो एक डिग्री तक राइज करना लेकिन बेटा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसमें क्या आता है इसमें आता है वन ग्राम ऑफ सब्स्टांस वन डिग्री सेल्सियस एक ग्राम सब्सटांस का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस तक रीज करना अगर बेटा यही टर्म मोलर हीट में आ जाए तो वन ग्राम की जगह आपने क्या ले लेना है आपने लेना वन मोल वन मोल ऑफ द सब्सटेंस द टेम्परेचर रेज करना बेटा वन डिग्री सेल्सियस तक ये छोटी छोटी टर्म्स हैं कुछ ना और इसका एक रिलेशन आता है बेटा नमेरिकल टाइप में भी आता है ये फार्मूला याद रखना क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ये ये रिलेशन है बेटा तो कैसे करते हैं हमने जब भी वैल्यू निकालनी है अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है तो एम मास सी स्पेसिफिक हीट और डेल्टा वैल्यू द चेंज इन टेम्परेचर ये वैल्यूज थी ठीक है बेटा उस हिसाब से एक अगली छोटी सी वैल्यू आती है बेटा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर ये रिलेशन बेटा ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन है अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी बी कि भाई सी पी जो है वो सी बी से बड़ा क्यों होता है तो इसका बेटा सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी वॉल्यूम हमारे पास कोई भी सिस्टम है अगर उसका हम वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखते हैं ये वॉल्यूम जो है बेटा कॉन्सटेंट रखते हैं पहला केस तो हम करते हैं सी बी के केस में हमने वॉल्यूम कॉन्सटेंट रख लिया और हमने सिस्टम को हीट ऐड कर दी तो इसका मतलब क्या होगा वहाँ पर कोई भी वर्क डन नो वर्क डन वहाँ कोई भी वर्क डन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है चेंज इन जो डेल्टा बी है वॉल्यूम है वो हमने कॉन्स्टेंट रखा है वर्क डन नहीं होगा सिर्फ हीट जो है वो सिस्टम को दी जाएगी तो फिर किसमें क्या होगा हीट जो है वो आब्जॉर्व कर लेगा सिस्टम ठीक है और क्या करेगा टू इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी अगर मान लो सी पी के, के केस में बेटा हमने हमने अब हमने प्रेशर को सिस्टम को क्या किया हमने प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट गौ कर दिया अब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को तो क्या होगा इसमें ऐसा करने से क्या होगा कुछ जो है वो एक्सपेंशन क्रिएट होगी सम एक्सपेंशन क्रिएट होगी वर्क डन सिस्टम के ऊपर होगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब है यहां पर नो no वर्क था यहां वर्क डन भी होगा वहां पर एनर्जी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी इसका मतलब यहां पर दोनों तीनों टर्म जो है इकट्ठी होगी इसलिए हम बोलते हैं है कि सी पी ग्रेटर देन सी पी और इसका रिलेशन है सीपी माने सी बी इज इक्वल टू आर तो आई होप ये आपको बेटा ये समझ आया होगा सिंपल सी बात थी सी पी मैंने सी वी का रिलेशन पूछते हैं और पूछते हैं सी पी सी वी से बड़ा क्यों है क्योंकि सी पी में क्या होता है वर्क डन भी होता है हीट ऑब्जॉर्व भी होती है लेकिन सी बी के, के केस में क्या होता है सिर्फ वर्क डन नहीं होता है ऑनली हीट जो है वो ऑब्जॉर्व होती है दैट इज़ सी बी ग्रेटर दैन सी बी तो आई होप बेटा ये आप समझ गए होंगे दैन नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगा मैं आपका इसके बाद कौन सा है कि जिस तरीके से स्पेसिफिक हीट है कुछ नमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे वो हम कल करेंगे